पुलिस कर्मियों ने मिलकर एक नवीन सभी सुविधाओं से युक्त कोविड सेंटर तैयार किया है। इस कोविड सेंटर को तैयार करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों ने अपना एक दिन का वेतन जमा किया था। कोविड सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फीता काटकर किया। पुलिस विभाग में सभी ने अपना एक दिन का वेतन दिया और दतिया के पुलिस लाइन में सुसज्जित सर्व सुविधा युक्त नवीन कोविड सेंटर बनाया गया। इस कोविड सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के गृह जेल विधि विधायक संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फीता काटकर किया। मंत्री मिश्रा ने स्थानीय पुलिस विभाग की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की। इस मौके पर आईजी मनोज शर्मा, डीआईजी राजेश, दतिया कलेक्टर संजय कुमार, समाजसेवी बलदेव राज मौजूद रहे। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया, कोविड सेंटर 10 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें भरपूर ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोरोना की द्वितीय लहर में बहुत से जिलों में ऑक्सीजन बेड्स की कमी देखने में आई थी। अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन में पुलिस के हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक विशेष पहल की कि अपना एक दिवस का वेतन उन्होंने अनुदान राशि के रूप में दिया है, और उससे हमने पूरा एक सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन से युक्त आधुनिक सुख सुविधा वाला पूरा कोविड केयर सेंटर 10 बिस्तर का बनाया है। भविष्य में अगर तीसरी लहर आती है तो पुलिस तथा उनके पुलिस कर्मियों के जो परिवार हैं, उनकी देखभाल के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।